और महाराजा डाल दो काशी जी के किले पर हमें कुछ विचित्र जैसा दिखा, उसके ऊपर चल के वो दिखाते हैं ये क्या चीज़ है। तो कुछ समाधि जैसी दिख रही यार बिन भैया, पता नहीं हो सकता महाराज डाल दो पासी जी यहाँ रखे गए हुए आयत पर कहूँ समाधि नहीं है लग रही समाधि को यार। देखो जब बल्ब फलब लगा रहा पहले लेकिन कोई मतलब नहीं था। कुछ तो है यार लेकिन पता ये हो सकता कि दलदेव के हुए किले के अंदर हो ही सकत महाराज डाल दो पासी जी के हुए। तो कंफर्म नहीं का फोटो खींचो ठीक है, वीडियो बना लो पूरा। हां ये क्या लगत थी अबे का अबे सुई ना यार ये अबे कहां हो यार ये मसाला सीमेंट से लागत के अबे किराया मसाला नीचे तो नीचे दफ नीचे तो नीचे है सब ऊंच ऊंच बना है किनारे किनारे से लखौड़े इतने लगे सब ये प्लास्टर करा रहे हैं बहुत पुरानी है तो इसे लग सकत कहां महाराज डाल दो पासी जी की नाम नहीं लिखा कहूं ना नाम तो नहीं लिखा इधर देखते हो छोटा मोटा कौन पूरी तरीके पूरी लखोर ईंटा से जड़ी यार ये वाली मिट्टी से इवन आए हमको लगा वही वाले मसाला जुड़ी है जानो। हम लोग सदा सुपर चढ़ाए और पूछते हैं संदीप से अरविंद है दोनों लोग से पूछते हैं कि ये लगभग क्या हो सकती है मुहूर्त किसी के महाराज डाल दो कि क्या है कुछ बता सकते हैं आप संदीप। और बहुत ही पुरानी किसी की संग्रह है कि जब किले शायद ये भी हो सकता है कि महाराज डाल दो पासी की भी हो सकती है क्योंकि जब उनकी अब्राहिम शाह सर की द्वारा इनका आक्रमण हुआ था तो शायद यहाँ के जो लोग थे यहाँ के जो इनके घर के लोग थे तो वो लोग सोचे होंगे इनको यहीं पे दफना दिया जाए। ये भी हो सकता है इनके घर की ही हो डलदेव पासी की भी हो सकती है या अन्य की भी हो सकती है ये मतलब कहा नहीं जा सकता इनकी है 100% नहीं बताया जा सकता है लेकिन 50% कहा जा सकता है कि इनकी होगी। तो समाधि जो बना है यहाँ पर काफ़ी पुरानी है काफ़ी बड़ी है जैसे आम लोग की समाधि होती है इतनी बड़ी ये तो है पुरानी होती है और मैंने देखा यहाँ पर काफ़ी ऊंचाई पर भी किनारे लखौड़ी ईंटें भी मिली यहाँ पर तो हो सकता है महाराज डलदेव पासी की हो या फिर उनके परिवार में किसी की समाधि उनके भाई की समाधि हो ये लेकिन है बहुत ही पुरानी समाधि। हाँ क्योंकि ये इतनी लंबी है देख सकते हैं आप कितनी लंबी है क्योंकि आम आदमी की जो समाधि होती है इतनी लंबी बेशक नहीं होती है कम से कम 7 से 8 फुट तो होगी लगभग और इतने ऊंचाई पर रखी हुई है कि जाहिर देती दूरी से कहाँ है किसी की समाधि या उसी डिजाइन में बनी आकृति बनी लगता है कि ये समाधि होगी बिल्कुल वो लगता हो कि शायद महाराज डाल दो कि हो या फिर हो भी नहीं सकता या उनके किसी परिवार की हो अन्य सदस्य की हो पर ये पूरी उसमें आकृति बनी है कि समाधि है इतने ऊंची पे है। मुझे लग रहा है कि 99% ऐतिहासिक ही समाधि है पहले किसी की थी किसी परिवार के सदस्य की या फिर हो सकता है उनकी ये भी हो सकता है।